आपके अपने चैनल एसआर सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केनो के रासायनिक गुण। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए आप मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केनो के रासायनिक गुण। तो हेलो एल्केन कार्बन और हैलाइड बंध की ध्रुवता के कारण अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में ये चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। फर्स्ट नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सेकंड विलोपन अभिक्रिया, थर्ड धातु के साथ अभिक्रिया और फोर्थ अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या इसे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो पहले हम यह समझते हैं कि नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है ताकि इनके जो उदाहरण हैं ये हम आसानी से समझ सकेंगे। तो नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, चूंकि आप जानते हैं कि कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति रासायनिक गुणों को समझने में हमें सहायता देती है। तो यहाँ पर जो एक बार हम कार्बन और हैलोजन बंध की प्रकृति को रिवाइज कर लेते हैं तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में जो कार्बन और हैलोजन बंध है तो इसमें हम जानते हैं कि जो हैलोजन परमाणु है ये कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है जिसके कारण एल्किल हैलाइड पर कार्बन आबंध ध्रुवित हो जाता है, यानी कि कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश और हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। कार्बन परमाणु पर उपस्थित आंशिक धनावेश यह कार्बन परमाणु को नाभिक स्नेही अभिकर्मक के लिए अधिक सुग्राही बना देता है। कहने का मतलब यह है कि जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक एल्किल हैलाइड के धनावेशित कार्बन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन हैलाइड आबंध को तोड़ देता है और साथ ही एक नया कार्बन नाभिक स्नेही आबंध बनाता है। जैसा कि हमको यहाँ पर ये प्रदर्शित है कि कार्बन और हैलोजन पर आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर इसे इस प्रकार से बंध के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रबल नाभिक स्नेहक दुर्बल नाभिक स्नेहक को प्रतिस्थापित कर देते हैं ऐसी अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। हमें यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड पर जब ध्रुवता उत्पन्न होती है यानी कि जब एल्किल हैलाइड के कार्बन पर आंशिक धनावेश और हैलाइड पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है तो प्रबल नाभिक स्नेहक अभिकर्मक ये कार्बन पर अटैक करता है जिससे एल्किल और हैलाइड के बीच बंध टूट जाता है और ये जो हैलाइड होता है ये प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जिससे ये एल्किल प्रबल नाभिक स्नेहक का एक नया उत्पाद बनाता है और हैलाइड अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हमको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो परिभाषा है इस पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रबल नाभिक स्नेहक दुर्बल नाभिक स्नेहक को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हैलाइड है ये दुर्बल नाभिक स्नेहक है और जो प्रबल नाभिक स्नेहक है उसमें OH- R-O माइनस आई माइनस प्रकार से बहुत से प्रबल नाभिक स्नेहक होते हैं। हमें कुछ प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मकों की सूची प्रदर्शित है। इन अभिकर्मकों में जो प्रबल नाभिक स्नेही होते हैं इनकी सहायता से नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो चलिए आगे हम समझते हैं एल्किल हैलाइड के नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रमुख उदाहरण। फर्स्ट हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हैलोजन का प्रतिस्थापन या अल्कोहल का बनना। जैसा कि यहाँ पर हमको समीकरण प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड की उबलते हुए जली छारों या फिर उबलते जल में सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा करके अल्कोहल बनाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एल्किल हैलाइड है जिसकी KOH से अभिक्रिया हो रही है तो अल्कोहल बन रहा है। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड के हैलाइड को OH-
नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर R के स्थान पर हम एथिल लेकर के समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ पर ब्रोमो एथेन की कोएच से अभिक्रिया होने पर एथेनॉल बनता है और आयोडोमेथेन की सिल्वर हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर मेथेनॉल प्राप्त होता है। पर आपको यह ध्यान रखना है कि हम अभी नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरणों को समझ रहे हैं, तो इसके अनुसार से जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनके बीच का आबंध टूटता है जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिकर्मक का ऋण आवेश कार्बन पर अटैक करता है। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड में हैलाइड अलग हो जाता है और एल्किल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक का ऋण आवेशित भाग जुड़ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही सारे रासायनिक समीकरणों को हम बनाएंगे। सेकेंड, एल्कोक्सी समूह द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन या ईथर का बनना। इस रासायनिक अभिक्रिया को ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि भी कहा जाता है। तो इस विधि में जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर बनता है, जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड और यहाँ पर ये सोडियम एल्कोक्साइड, इसके साथ जब गर्म किया जाता है तो यहाँ पर नाभिक स्नेही OR ये एल्किल से जुड़ जाता है, तो यहाँ पर ईथर प्राप्त होता है। और R के स्थान पर यदि हम एल्किल समूह एथिल ले लें तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड की सोडियम एथोक्साइड, यहाँ पर OR है तो R के स्थान पर हमें कोई एल्किल ग्रुप लेना है तो यहाँ पर एथिल लिया गया है, तो एथिल क्लोराइड की सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। थर्ड, नाइट्राइड समूह द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन या नाइट्रो एल्किन का निर्माण। तो इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड एल्कोहली सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रो एल्किन बनाते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड है जिसकी सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया हो रही है, ये एल्कोहली होगा, तो यहाँ पर हैलाइड को नाइट्राइड के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है और यहाँ पर नाइट्रो एल्केन बन रहा है। अब यहाँ पर R के स्थान पर यदि हम एथिल लेते हैं तो एथिल क्लोराइड की सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर नाइट्रो एथेन प्राप्त होता है। फोर्थ, नाइट्राइड समूह द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन या एल्किल नाइट्राइड का बनना। अब यहाँ पर ये थर्ड और फोर्थ समीकरण में कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये भी नाइट्राइड समूह द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन और ये भी नाइट्राइड समूह द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन, तो यहाँ पर नाइट्रो एल्किन बन रहा है, यहाँ पर एल्किल नाइट्राइड बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में जो हेलो एल्केन होता है इसकी सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया करके एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है, जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड की पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया हो रही है तो एल्किल नाइट्राइड बन रहा है। यहाँ पर R के स्थान पर यदि हम एथिल ग्रुप लेते हैं तो एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल नाइट्राइड प्राप्त होता है। पर पोटेशियम नाइट्राइड KNO2 में पोटेशियम और ऑक्सीजन आयनिक होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित ऋण आवेश के कारण ये आक्रमण स्थल पर कार्य करता है और ये एल्किल नाइट्राइड बनाता है। फिफ्थ, एमिनो समूह द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन या एमीन का बनना। यह विधि हाफमैन विधि कहलाती है। तो इसके अंतर्गत एक बंद नली में एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जली विलयन या एल्कोहली विलयन के साथ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के एमिनो का मिश्रण मिलता है और अंत में चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड की अमोनिया से अभिक्रिया हो रही है जिससे यहाँ पर प्राथमिक एमीन बन रहा है जिसे एथेनामीन भी कहते हैं। पर R की जगह एथिल लेकर के हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं तो यहाँ पर ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया अमोनिया से, तो यहाँ पर अमोनिया को हमने HNH2 लिखा है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसकी अभिक्रिया होने से ये एथेनामीन या प्राथमिक एमीन बनता है। अब इस प्राथमिक एमीन का फिर से ब्रोमो एथेन से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी
एमीन या द्वितीयक एमीन जिसे डाई एथिल एमीन या एन एथिल एथेनामीन कहते हैं बनता है। इस स्टेप में प्राप्त द्वितीयक एमीन का फिर से ब्रोमो एथेन के साथ गर्म किया जाता है तो तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। ये तृतीयक एमीन को ट्राई एथिल एमीन या फिर एन एन डाई एथिल एथेनामीन कहते हैं। अब थर्ड स्टेप में प्राप्त तृतीयक एमीन की पुनः ब्रोमो एथेन के साथ इसे गर्म किया जाता है तो अंत में टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड या चतुष्क लवण प्राप्त होता है। प्रकार इस विधि में ब्रोमो एथेन और अमोनिया को एक बंद नली में अभिक्रिया कराई जाती है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर और अलग अलग प्रकार के यानी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है और अंत में चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। तो यह विधि हाफमैन विधि कहलाती है। यह विधि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्किनाइल समूह द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन या उच्चतर एल्काइन का बनना, तो या इसमें एल्किल हैलाइड की सोडियम एसिटिलाइड के साथ क्रिया कराई जाती है और उच्चतर एल्काइन तैयार किया जाता है। तो यहाँ जैसे हमको समीकरण प्रदर्शित है, ये एल्किल हैलाइड जिसकी सोडियम एसिटिलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर उच्चतर एल्काइन बनता है। यहाँ पर आर की जगह पर यदि हम एथिल लेते हैं तो यहाँ पर समीकरण इस तरीके से बनाते हैं, ब्रोमो एथेन प्लस सोडियम एसिटिलाइड, इसकी दोनों की अभिक्रिया होने से ब्यूट वन आयन प्राप्त होता है। 7 हाइड्रोसल्फाइड समूह द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन या थायो अल्कोहल का बनना, तो जब एल्किल हैलाइड को जली सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है तब थायो अल्कोहल या मरकैप्टन बनता है। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ इसे गर्म किया जाता है तो एल्किल थायो अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर आर के स्थान पर हम एथिल लेकर के समीकरण तैयार करेंगे तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड की पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ इसे गर्म किया जाता है तो एथिल थायो अल्कोहल प्राप्त होता है। 8 मरकेप्टाइड समूह द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन, तो जब एल्किल हैलाइड को सोडियम मरकेप्टाइड या पोटेशियम मरकेप्टाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो थायो ईथर प्राप्त होता है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड की सोडियम मरकेप्टाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर थायो ईथर बनता है। तो यहाँ पर हम एल्किल की जगह पर एथिल लेकर के समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड की सोडियम मरकेप्टाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर डाई एथिल थायो ईथर प्राप्त होता है। 9 कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ क्रिया या एस्टर का बनना, तो जब एल्किल हैलाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बनिक एस्टर बनता है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड की कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ क्रिया करने पर एस्टर बनता है। यहाँ पर आर के स्थान पर हम एथिल लेकर के हम समीकरण को बनाएंगे तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड जिसकी अभिक्रिया सिल्वर एसिटेट से करने पर एथिल एसिटेट या एस्टर प्राप्त होता है। 10 हेलोजनीकरण, जब एल्किल हैलाइड का सूर्य के मंद प्रकाश में हेलोजनीकरण होता है तो हेक्साक्लोरोएथेन प्राप्त होता है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एथिल क्लोराइड C2H5Cl में Cl2 का अणु जुड़ता है और इसमें से HCl बाहर होता है तो प्राप्त होता है C2H4Cl2। इस C2H4Cl2 में फिर क्लोरीन का अणु जुड़ता है और HCl बाहर होता है तो प्राप्त होता है C2H3Cl3। इस C2H3Cl3 में क्लोरीन के अणु जुड़ते हैं और HCl बाहर होता है तो प्राप्त होता है C2H2Cl4। अब इसमें से क्लोरीन के अणु जुड़ेंगे और HCl बाहर होगा तो प्राप्त होता है C2HCl5। अब इस अणु में क्लोरीन अणु जुड़ेगा और HCl बाहर होगा तो प्राप्त होता है C2Cl6 जिसे हेक्साक्लोरोएथेन कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एथिल क्लोराइड का हेलोजनीकरण होने से हेक्साक्लोरोएथेन प्राप्त होता है। यह हेक्साक्लोरोएथेन का उपयोग कृत्रिम कपूर के रूप में किया जाता है। 11 सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड से क्रिया,
जब एल्किल हैलाइड की सोडियम सल्फाइड या पोटेशियम सल्फाइड से अभिक्रिया होती है तो थायोईथर प्राप्त होता है, जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड से की जाती है तो डाई एथिल थायोईथर प्राप्त होता है। 12. हैलाइड विनिमय, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो हैलोजन का विनिमय होता है और एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एथिल क्लोराइड की पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराई जा रही है जो एसीटोन की उपस्थिति में होती है, तो एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। 13. सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम सल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम एल्किल सल्फोनेट प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया स्ट्रेकर अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण में प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड की जो सोडियम सल्फाइड से अभिक्रिया हो रही है, इसको यहाँ पर एल्किल हैलाइड को सोडियम सल्फाइड के साथ गर्म किया जा रहा है तो सोडियम एल्किल सल्फोनेट प्राप्त होता है। 14. साइनो समूह द्वारा हैलोजन का प्रतिस्थापन या एल्किल साइनाइडो या एल्केन नाइट्राइल का बनना, तो यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड के जली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो यहाँ पर हैलाइड आयन का विस्थापन साइनाइड आयन के द्वारा होता है जिससे एल्किल नाइट्राइल प्राप्त होता है। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, ये एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया हो रही है तो ये जो एल्किल हैलाइड है उसका साइनाइड के द्वारा विस्थापन हो रहा है और एल्किल नाइट्राइल प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आर के स्थान पर हम एथिल लेकर के समीकरण बनाएंगे तो एथिल क्लोराइड की पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया होने पर एथिल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल प्राप्त होता है। इन समूह के एल्किल साइनाइड का संश्लेषण महत्व होता है। एल्किल साइनाइड से अम्ल एमाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्राथमिक एमीन जैसे यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है। 15. आइसोसाइनाइड द्वारा हैलोजन का प्रतिस्थापन या एल्किल आइसोसाइनाइड का बनना, तो जब एल्किल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड के अल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल या एल्किल कार्बिल एमीन बनता है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड के अल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आर के स्थान पर हम एथिल लेकर के समीकरण बनाएंगे तो एथिल क्लोराइड की सिल्वर साइनाइड के अल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाएगा तो एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। पर पोटेशियम साइनाइड का जली विलयन एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके साइनाइड बनाता है और सिल्वर साइनाइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों में साइनाइड है तो यहाँ पर साइनाइड CN- माइनस नाभिक स्नेही होता है जो कार्बन परमाणु पर दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। तो पोटेशियम साइनाइड चूंकि आयनिक प्रकृति का होता है, पोटेशियम साइनाइड के आयनिक प्रकृति होने के कारण विलयन में साइनाइड आयन देता है और जो सिल्वर साइनाइड है इसकी ससंयोजी प्रकृति होती है तो सिल्वर साइनाइड की ससंयोजी प्रकृति होने के कारण नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिससे सिल्वर साइनाइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके साइनाइड बनाता है। पर हमने नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के इन 15 उदाहरणों को समझे, तो आगे हम समझते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ये दो भिन्न क्रियाविधि में संपन्न होती है। तो फर्स्ट है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे SN2 से प्रदर्शित करते हैं और सेकंड है एक अणु क्रियाविधि जिसे SN1 से प्रदर्शित करते हैं। यह हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे SN2 से प्रदर्शित करते हैं। SN2 में S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक और 2 बायमोलिकुलर को प्रदर्शित करता है। द्विक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यह एक ही पद में संपन्न होती है। इसमें जो भी अभिकारक भाग लेते हैं ये पहले संक्रमण संकुल बनाता है, ये संक्रमण संकुल शीघ्र अपघटित होकर के उत्पाद बनाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है, मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्सी आयन की अभिक्रिया से मेथेनॉल और क्लोराइड आयन बनता है।
इस अभिक्रिया को द्वि अणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है तो इस संक्रमण अवस्था के निर्माण में दो अणु भाग लेते हैं और अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। हमें यहाँ पर मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन की अभिक्रिया का ये उदाहरण प्रदर्शित है, जिससे मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन से मेथेनॉल और क्लोराइड बनता है। तो इस उदाहरण से हम द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। SN2 और SN1 क्रियाविधि को समझाइए या नाभिक स्नेही अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए, तो इसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए। अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि के अनुसार जब आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया होती है तो कार्बन हैलाइड आबंध टूटता है और साथ में एक नया कार्बन OH आबंध बनता है। ये दोनों क्रिया एक साथ ही एक पद में संपन्न होती है, कोई मध्यवर्ती पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है नाभिक स्नेही और कार्बन परमाणु के मध्य आबंध बनना प्रारंभ होता है, जैसे कि हमको ये प्रदर्शित है मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है जो मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, तो ये अभिक्रिया धीमी गति से होती है और ये संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है, तो नया कार्बन OH आबंध बनता है। तो ये जो दोनों प्रक्रिया है, मतलब मेथिल और क्लोराइड के आबंध का टूटना और हाइड्रोक्साइड आयन का जुड़ना, ये दोनों प्रक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, यहाँ पर कोई मध्यवर्ती यौगिक नहीं बनता है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है नाभिक स्नेही और कार्बन परमाणु के मध्य आबंध बनना शुरू हो जाता है। ये कार्बन और क्लोराइड के बीच का आबंध दुर्बल होने लगता है, आक्रमण के लिए उपलब्ध ये कार्बन परमाणु का विन्यास प्रतीत हो जाता है, प्रतीत यानी कि इन्वर्स हो जाता है। जैसे कि जब हम छतरी लेकर के चलते हैं और हवा का तेज झोंका आता है तो छतरी उलट जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन होते हैं ये उल्टे पड़ जाते हैं और यहाँ पर अवशिष्ट समूह जो क्लोराइड है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन ये उलट जाते हैं और मतलब अपोजिट हो जाते हैं, तो यह प्रक्रिया विन्यास का प्रतिपन या फिर इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। कि हम यहाँ पर हमें चित्र प्रदर्शित है SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का बनना, तो यहाँ पर मेथिल क्लोराइड है, यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर से प्रदर्शित है ये क्लोराइड को प्रदर्शित कर रहा है, ये जो रेड कलर से है ये कार्बन को, और ये तीन हाइड्रोजन ग्रीन कलर से जो प्रदर्शित है, और यहाँ पर ये OH माइनस आयन को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब नाभिक स्नेही आक्रमणकारी OH माइनस आयन जब मेथिल क्लोराइड के कार्बन पर अटैक करता है तो यहाँ पर कुछ समय के लिए संक्रमण अवस्था में यहाँ कार्बन से Cl माइनस और OH माइनस दोनों जुड़ जाते हैं, यानी कि जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये संक्रमण अवस्था है। ये जब दोनों की मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन की अभिक्रिया होती है तो धीमी गति से होने पर ये संक्रमण अवस्था आता है, जहां पर कार्बन ये अवशिष्ट समूह यानी कि ये जो बाहर निकलने वाला क्लोराइड है इससे और जो जुड़ने वाला हाइड्रोक्साइड आयन है इससे ये सबसे जुड़ करके ये पांच आबंध बना देता है। ये पांच आबंध चूंकि कार्बन की संयोजकता चार होती है मगर यहाँ पर पांच आबंध बन रहा है, तो ये जो है कुछ समय के लिए रहता है, मतलब ये अस्थायी होता है, और फिर तीव्र गति से अभिक्रिया होने पर मेथेनॉल और क्लोराइड आयन बाहर हो जाता है। तो यही यहाँ पर हमको जो प्रदर्शित है ये भी उसी को दिखा रहा है कि ये जो संक्रमण अवस्था बनती है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन एक तरफ है और जैसा हमने अभी बताया कि जैसे हम छतरी को लेते हैं और हवा का झोंका आता है तो वो उलट जाता है, उसी प्रकार से जब हाइड्रोक्साइड आयन जो मेथिल क्लोराइड के कार्बन पर अटैक करता है तो ये उलट जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर मेथेनॉल में देख रहे हैं और जो क्लोराइड आयन है ये हट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनता है और नया उत्पाद का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था के निर्माण में यहाँ पर दो अणु भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया का वेग इन दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसको द्वि अणु अभिक्रिया कहते हैं।
और इस अभिक्रिया में जो दोनों अभिकारक है ये धीमी गति से अभिक्रिया करके संक्रमण अवस्था बनाते हैं और ये संक्रमण अवस्था तीव्र गति से अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से द्विकणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। पर एल्किल हैलाइड से हाइड्रोक्साइड आयन का जुड़ना और हैलाइड का बाहर निकलना ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है और एक ही पद में होती है। एकणु क्रियाविधि या क्रियाविधि दो स्टेप में संपन्न होती है। तो फर्स्ट स्टेप में जो एल्किल हैलाइड का कार्बन और हैलाइड बंध का विषम विलयन होता है, जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण में प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड का विषम विलयन होता है, ये धीमी गति से होता है जिसमें जो एल्किल ग्रुप होता है ये धनायन और हैलाइड ऋणायन में विभाजित हो जाता है और ये कार्बोकेटायन का निर्माण करता है। तो जैसे कि हमको यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का यहाँ पर कार्बोकेटायन प्रदर्शित है, ये मंदगति से होता है। अब चूंकि ये एकणु क्रियाविधि है मतलब कि यह पद धीमा होता है और जैसे हम देख रहे हैं ये उत्क्रमणी का साइन दिया हुआ है, तो यह पद धीमा और उत्क्रमणी होता है। जो दर निर्धारक पद होता है इसमें केवल एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को एकणु क्रियाविधि कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड का विषम विलयन होने से कार्बोकेटायन बनता है और सेकंड स्टेप में जो कार्बोकेटायन बनता है ये इससे नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के साथ जल्दी से अभिक्रिया करके ये उत्पाद बनाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, जो कार्बोकेटायन है ये OH- नाभिक स्नेही से तीव्र गति से अभिक्रिया करता है और ये नया उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर जो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है ये इसका जो कार्बोकेटायन है इसमें ये कार्बोकेटायन से OH- अभिक्रिया करता है और यहाँ पर नया उत्पाद बनाता है। सभी क्रिया में अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। जो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक का OH- आयन है इसकी सांद्रता पर अभिक्रिया की दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिक्रिया में कार्बोकेटायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा एल्किल हैलाइड से कार्बोकेटायन का बनना उतना ही सरल होगा और अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। एकणु क्रियाविधि को SN1 कहते हैं जिसमें S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक और 1 यूनिमोलिकुलर को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हमने नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को विस्तार से समझे। आगे हम समझते हैं SN1 तथा SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडों की अपेक्षित क्रियाशीलता। तो यहाँ पर जैसे हमको SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता में बढ़ते क्रम और SN1 क्रियाशीलता में बढ़ते क्रम प्रदर्शित है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। SN2 अभिक्रिया में मेथिल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील और तृतीयक एल्किल हैलाइड कम क्रियाशील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेथिल हैलाइड के पास केवल 3 छोटे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होता है। तृतीयक एल्किल हैलाइड में यहाँ पर 3 एल्किल समूह होते हैं जिससे यहाँ पर त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि SN2 अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही समूह ये अल्फा कार्बन क्या होते हैं? वह कार्बन जिससे हैलोजन संलग्न रहता है, यानी कि जो कार्बन है इससे ये हैलाइड जो है जुड़ा रहता है, तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही समूह ये अल्फा कार्बन के पीछे की ओर से आक्रमण करता है, इसलिए अल्फा कार्बन पद या फिर उसके निकट जो प्रतिस्थापी होता है इसके उपस्थिति से अवरोध उत्पन्न होता है जिससे अभिक्रिया होने में कठिनाई होती है और इस अवरोध को ही त्रिविम बाधा कहते हैं। त्रिविम बाधा में वृद्धि होने से अभिक्रिया की गति धीमी हो जाती है, इसलिए SN2 अभिक्रिया में तृतीयक एल्किल हैलाइड कम क्रियाशील और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यानी कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड उससे अधिक क्रियाशील और प्राथमिक एल्किल हैलाइड उससे और अधिक क्रियाशील और मेथिल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है। विपरीत SN1 अभिक्रिया में मेथिल हैलाइड कम क्रियाशील उससे अधिक क्रियाशील, प्राथमिक एल्किल हैलाइड उससे अधिक क्रियाशील, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और उससे अधिक क्रियाशील तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमने अभी एकणु क्रियाविधि में समझे कि कार्बोकेटायन मध्य में होता है और कार्बोकेटायन के स्थायित्व में वृद्धि से अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का स्थायित्व अधिक होता है जिसकी वजह से जो मेथिल हैलाइड है ये कम क्रियाशील और तृतीयक एल्किल हैलाइड ये अधिक क्रियाशील होते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि SN2 में
जो एल्किल हैलाइड है इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, या SN1 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। पर हमने नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को विस्तार से समझे, तो आज की वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण के फर्स्ट प्वाइंट नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और इसको उदाहरणों से समझे और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझे। वीडियो में हम हेलो एल्केन के अन्य रासायनिक गुण, सेकेंड विलोपन अभिक्रिया, थर्ड धातु के साथ अभिक्रिया और फोर्थ अपचयन को विस्तार से समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना।